ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। क्या बन रहा है ये? पराठा बन रहा है। ओके। Assalamualaikum beautiful peoples, my name is Mohammed Fuzil and welcome back to my YouTube channel। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद लेट नाइट को अजमेर पहुँचे थे, सो आज के इस वीडियो में मैं जो अजमेर सिटी है वो विज़िट करूँगा एंड मैं अजमेर सिटी में कौन कौन से प्लेसेस विज़िट करता हूँ, मैं वहाँ पर कौन कौन से एक्टिविटीज़ करता हूँ, वो सब मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स गो। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। सो इस वक्त मैं हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है उस दरगाह की ओर जा रहा हूँ एंड दरगाह पर जाते जाते रास्ते में से एक बाज़ार आता है। सो इस बाज़ार में क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखाने की ट्राई करूँगा एंड मैं आपको बताता चलूँ कि इस बाज़ार में आप अगर आएंगे तो आपको लेडीज़ वेयर से रिलेटेड ही काफ़ी सारी शॉप मिलेगी एंड यहाँ पर स्वीट्स की जो शॉप्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा है एंड चूँकि ये शाबान का महीना चल रहा है एंड रमज़ान के महीने में ये जो पूरा बाज़ार है और ये जो दरगाह है वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, ये सब बंद रहता है। सो ये शाबान का महीना है, सो आज यहाँ पर बहुत ही भीड़ है एंड यहाँ से बिल्कुल सामने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की जो दरगाह है उसका मेन गेट है, लेकिन हम मेन गेट से नहीं जाएंगे, यहाँ पर दूसरे भी और गेट से हम वहाँ से जाएंगे, पीछे वाले गेट से। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है एंड ये हमारे सामने लेडीज़ वेयर की कुछ शॉप्स हैं एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ट्रैफिक है, पीछे एक रिक्शे वाले ने पूरा ट्रैफिक जाम किया है एंड हम लोग ये जा रहे हैं एंड आप ये मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हैं ये स्वीट्स की शॉप है एंड काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स हैं एंड यहाँ पर बहुत सारी स्वीट्स की जो शॉप्स है वो है और यहाँ पर ये कुछ पराठा टाइप बन रहा है एंड ये सब रेस्टोरेंट टाइप्स है और ये कुछ क्या है तंदूर की रोटी। और मैं हाँ आपको बताता चलूँ कि जिस प्राइस में हमारे जो भरूच में हमारे गुजरात में जिस प्राइस में जो नॉर्मल चपाती रोटी मिलती है उसी प्राइस में यहाँ पर तंदूरी रोटी मिलती है एंड आप किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी होटल में चले जाए आपको चपाती बहुत ही कम देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर हाँ तंदूर ही ज़्यादा मिलेगी और वो भी उसकी जो प्राइस है वो भी बहुत कम है। एंड ये कुछ और शॉप्स हैं और ये कुछ धागे हैं यहाँ के फेमस अजमेर के फेमस धागे और यहाँ पर चाय बन रही है, बीफ शॉप है आप वो देख सकते हैं और ये लोग भाई साहब ये तो कुछ चिकन हमारे यहाँ तो वो टेम्पो में चिकन सप्लाई करते हैं लेकिन ये लोग तो बाइक पर लटका कर ले जा रहे हैं, बहुत ही गलत तरीके से उसको लटकाया हुआ है एंड ये कुछ खिचड़ी है और ये कुछ क्या बन रहा है ये पराठा। ओके। सो काफ़ी लंबा चलने के बाद हम फाइनली गेट नंबर 4 पर पहुंच गए हैं एंड इंशाअल्लाह हम यहां से एंटर होंगे एंड एंटर होने से पहले हमारे जो शूज़ है वो हमें यहां पर रेंट पर रखने पड़ेंगे, हमारे जो शूज़ है वो ये अंकल ले लेंगे और हम जब रिटर्न लेंगे इसको तो वो हमसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे एंड हमारे जो शूज़ है वो हमें रिटर्न कर देंगे। सो उन्होंने मुझे ये कुछ ये इस टाइप का टोकन दिया है, सो जब भी हम शूज़ हमें रिटर्न चाहिए तो हमें ये टोकन दिखाना पड़ेगा एंड हमें वो शूज़ रिटर्न कर देंगे और अपना चार्ज लेंगे। ना तू बन सका ना बना सका वो ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ, जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ दिल में तेरे मौजूद है, क्यों नहीं देखता इस जहान में हर शैला में है दूध है,
मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है, उनकी जो कब्र है, वो मेरे बिल्कुल सामने है। एंड मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ फील हो रही है कि यार यहाँ पर इतनी भीड़ है, यहाँ पर इतनी रौनक है, तो मदीना मुनव्वरा का क्या मंजर होगा। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है, वहाँ पर कैसी भीड़ होगी, या मेरे पास वर्ड्स नहीं है मेरी फीलिंग्स को बयान करने को। लेकिन सिर्फ मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि अपनी दुआ में खास याद रखिएगा, ताकि बहुत ही जल्द आप इस चैनल पर हरमैन शरीफ़ैन की वीडियोस देख सके इंशाअल्लाह ताला। सो जस्ट अभी मैं दरगाह अंदर से विज़िट करके निकला हूँ, एंड चूँकि दरगाह के अंदर वीडियो काफ़ी अलाउ नहीं थी, सो मैं वीडियो नहीं कर पाया। एंड अब मैं देखने जा रहा हूँ वो डेके जो शहनशाह अकबर ने बनवाई थी। एंड यहाँ पर ये जो चादर वाला सीन है वो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। खैर, माना जाता है कि ये जो डेके है वो शहनशाह अकबर ने बनवाई थी, एंड तभी से इसमें खाना पकाया जाता है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना पैसा डाला हुआ है लोगों ने अंदर, और माना कहा जाता है कि इसी पैसों से इस डेक को पकाया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू गूगल ये डेक अराउंड 2000 kg की है। इसमें एक बार में 2000 kg तक का खाना पकाया जा सकता है। एंड ऐसे यहाँ पर दो डेके हैं, ये बड़ी है एंड दूसरी एक और छोटी डेक भी है। सो अब यहाँ पर आए हैं तो सब कुछ विज़िट करके ही जाएंगे। सो अंदर अभी और कुछ चीज़ें हैं जो देखनी बाकी है, वो भी इंशाल्लाह विज़िट करेंगे। एंड ये कुछ ओल्ड एक होज है जहाँ पर लोग वज़ू करते हैं। एंड मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, कुछ लोग जो वो पानी की वो ओल्ड मशकें होती है वो लेकर घूमते हैं, कहते हैं कि ये भाई पानी वाले को भी देते जाओ। सो ये पानी वाला क्या सीन है रियली मुझे तो नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मुझे भी पता चले कि वो क्या होता है। एंड ये दरगाह में एंटर होने का जो मेन गेट है उसके सामने ये कुछ कव्वाली वाला सीन चल रहा है, एंड काफ़ी लोग बैठे हैं। और ये दरगाह में एंटर होने के लिए इस तरह की लाइन लगी है। एंड अगर आपको भी दरगाह अंदर से विज़िट करनी हो तो आपको भी इसी तरह की लाइन का सामना करना पड़ेगा। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है। एंड ये लेडीज़ वाला पोर्शन है जहाँ लेडीज़ बैठकर कुरान पढ़ सकती है और अपनी नमाज़ें पढ़ सकती है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है। एंड ये बिल्कुल सामने जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो एक छोटा सा इबादत खाना है। एंड अक्सर लोग यहाँ से अपनी जो पिक्चर्स है वो लेते हैं एंड अपनी जो फ़ोटोशूट है वो यहीं पर करवाते हैं, बिकॉज़ यहाँ से जो टॉम्ब है वो बिल्कुल सामने है एंड बिल्कुल सामने दिखता है। सो लोग अक्सर यहीं से फ़ोटोशूट करवाते हैं। एंड वहाँ भी सामने एक कव्वाली वाला सीन चल रहा है। एंड ये कुछ फ्लावर शॉप है। और ये हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की जो खादिम थे उनकी ग्रेव है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं उनकी ग्रेव की जो जाली है वो लोगों ने रेड धागों से भर दी है। एंड ये आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे ऊपर गुलाब के फूल पड़े हुए हैं, वो कब्रें हैं, वो ग्रेव्स है। एंड ऐसी काफ़ी सारी ग्रेव्स यहाँ पर है, वो सामने भी एक है। और ये यहाँ पर, और दरगाह से निकलकर हम एक और हिस्टोरिकल प्लेस है उसकी ओर जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड वो सामने होटल जन्नत है। एंड इस टाइप की डेगे तो मैंने अक्सर स्ट्रीट फूड पीके में ही देखी है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और वो सामने दिख रहा है वो दरगाह में एंटर होने का मेन गेट है। एंड ये जो मार्केट है उस मार्केट में स्कैम्स बहुत होते हैं, एंड मेरे साथ भी 2-3 स्कैम हो चुके हैं। एंड वो स्कैम क्या थे वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। एंड अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बी केयरफुल। सईदुल अंबिया मिश्रालुन फिल वफा।